हाय एवरीवन, मैं मालिनी निशा। लास्ट वीडियो में मैंने मेरा डिलीवरी स्टोरी शेयर किया था। ये वीडियो में मैं अपना पोस्टमार्टम एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। जैसे डिलीवरी हो गया था, बहुत ब्लीडिंग हो गई थी, जैसे चेक कर रहे थे बार बार। एंड उस टाइम पे मुझे ये भी चक्कर भी आने लग गया था। नेक्स्ट डे ब्लड रिपोर्ट में पता चला कि 9 पॉइंटी समथिंग है। तुरंत एक मेडिसिन इंजेक्ट किया था उससे, लाइन में मिक्स करके, उससे मुझे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ गया था। तो फिर उन्होंने ये भी बोला था कि इससे जल्दी काउंट बढ़ भी जाएगा। चक्कर वगैरह सब ठीक हो गया मुझे। एंड बेबी को फीड नहीं कर पा रही थी, बिकॉज 3 दिन के बाद ही मुझे मिल्क प्रोड्यूस हुआ। तभी भी ठीक से लैचिंग नहीं हो रहा था। एंड उसको जॉन्डिस भी हो गया 2 दिन तक, और फोटोथेरेपी पे भी था। एंड टोटल 5 डेज में हॉस्पिटल में थी। एंड स्टिचेस वगैरह के तो पेन किलर्स देते थे। एंड क्लीनिंग वगैरह सब बहुत अच्छा केयरिंग था हॉस्पिटल में। एंड राइट टाइम पे एवरी 2 2 आवर्स बेबी के लिए फॉर्मूला फीडिंग भी हो रहा था। जैसे हम घर पे आए, जैसे पेन किलर्स कुछ था तो नहीं, तो एक्चुअल पेन तभी रियलाइज़ हो रहा था कि वॉज वेरी पेनफुल। एंड घर पे आने के बाद बहुत इरिटेट फील होने लग गई मैं ड्यू टू द पेन। एंड बेबी थोड़ा स्ट्रेस हो गई थी। एंड वॉज नॉट एबल टू फीड हिम, वो भी एक प्रॉब्लम था। एंड लैचिंग नहीं हो रहा था, और मैं ठीक से खाना भी नहीं खा रही थी, और मुझे मोशन में ब्लीडिंग होने लग गया था, एनल फिजर हो गया था। बाद में हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने बोला कि एनल फिजर हुआ है डिलीवरी की वजह से। मेडिसिन से उसको भी ठीक हो गया, एक ही दिन में ठीक हो गया, क्रीम वगैरह दिया था। एंड नेक्स्ट हाँ, मॉम ने बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन लाए थे गांव से। सब बोलते कि बहुत कोल्ड फील होता है, बट मुझे तो बहुत स्वेटिंग और हीट था, बिकॉज मॉम ने जो मेडिसिन दिए थे मुझे, तो उसकी वजह से मुझे कोल्ड वगैरह कुछ नहीं होता था। ज़बरदस्ती कोई मुझे स्कार्फ सॉक्स वगैरह पहनते, तो मुझे बहुत स्वेटिंग होने लगा था। तो वो मेडिसिन बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। बेबी का भी साइड बाय साइड जॉन्डिस का ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर ने घर में बोला था कि ब्लू लाइट वगैरह लगाओ करके उसके एक रैडल में। एंड मेडिसिन से जिस धीरे धीरे वो ठीक हो गया, बट मैंने 5th मंथ से मेरे को स्टमक का डायरिया का इश्यू की वजह से बहुत कर्ड खाती थी ना, तो उसकी वजह से बेबी को कफ बहुत था। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जैसे बर्थ हो गया उसका कफ बहुत था। उसका भी पेडिसिस चल रहे थे। एंड विटामिन D3 और टोनाफेराल आयन का वो भी चल रहा था उसका, 3 3 मंथ्स तक देने बोला था। एंड वॉज फुल्ली ऑन फॉर्मूला, बिकॉज मेरी वजह से लाइक आई वॉज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ मिल्क। अभी भी फॉर्मूला में इज नाउ 1 ईयर ओल्ड एंड इज़ हेल्दी ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। है थोड़ा वेट गेन जल्दी नहीं हो रहा है, वेट का प्रॉब्लम है। दिस वॉज ऑल अबाउट माई पोस्टमार्टम एक्सपीरियंस। एंड द फर्स्ट थिंग वॉज की ब्लीडिंग इन नॉट इनफ HP काउंट था। एंड स्टिचेस के ऊपर बैठ के वो इन्फेक्ट हो गया था। इट टू लॉन्ग टाइम टू हील, सब बोल रहे थे 15 डेज में हो जाना चाहिए। मुझे मोर देन 1 मंथ लगा था वो हील होने के लिए, क्योंकि कोई भी आ जाता था मैं उसी पे बैठ जाती थी, लेटती नहीं थी एंड बात करती थी। मॉम ने मुझे बहुत समझाया, पर उसका कॉन्सिक्वेंसेस मुझे बाद में पता चला कि ऐसा हो गया। एंड हाँ, और फिर बाद में एक्सेसिव डायरिया की वजह से मुझे बाद में पता चला कि गैस्ट्राइटिस से मैं सफ़र कर रही हूँ। सडनली एक दिन बहुत ज़्यादा स्टमक पेन हुआ, एंडोस्कोपी किया, तब समझा कि गैस्ट्राइटिस है। तो इसकी वजह से बेबी का वेट गेन प्रॉपरली नहीं हुआ था। जब बर्थ वेट है 2.250 ग्राम। एंड दिस वाज ऑल अबाउट माय पोस्टमार्टम एक्सपीरियंस। And in next video, I'll be sharing my gastritis experience, which I gotten after my delivery. And I just want to say ki aap hi HP count ka khyal rakhna and try to heal the wound faster. Zyada infect nahi hona dena chahiye. Anal fissure ho sakta hai, precaution lena chahiye uska. And feeding ka bhi dekho, latching properly hota hai to bahut achhi baat hai.
एंड बट इट डजेंट मीन कि फॉर्मुला फीडिंग बेबी आर नॉट हेल्दी, दे आर हेल्दी, बट स्टिल देर आर देर इज़ गिल्टी फीलिंग कि हम फीड नहीं कर पाते. तो डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल नाउ डेज. एंड दोज आर प्रेगनेंट, आई वुड लाइक टू से मे एवरी वन हैव अ हैप्पी प्रेगनेंसी जर्नी एंड टेक केयर. विल सी यू नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.